हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं कामना सोनी को। आज मैं बहू और बेटी के बीच में क्या फ़र्क है वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर बेटी हो तो कुछ भी करे वो अच्छा है, अगर बहू है और वो कुछ भी करे तो बुरा है। कुछ का मतलब मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर बेटी की शादी अच्छे शहर में हो जाए और बेटी चाहे जो कुछ पहने वो सब सही है, क्योंकि वो बेटी है। और अगर बहू अगर कुछ पहन ले और ससुराल वालों को या घर में जो सदस्य हैं उन्हें वो पसंद ना आए तो वो ताने सुनाते हैं कि अरे ये क्या पहना है तुमने, ये मत पहना करो, मुझे पता नहीं था तुम ऐसी थी, तुम ये हो, मैं नहीं जानती थी तुम ऐसा करने लगी हो, ये होता है। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, आज का ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, अगर बहू कुछ करे तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और बेटी कुछ करे तो भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू एक समान माने तो अच्छा है। अगर बहू बेटी में आप लोग ही फ़र्क करेंगे तो फिर आगे पता नहीं ज़माने का क्या होगा। पुराने लोग बहुत पुराने ख्याल के होते हैं, अरे बहू ने क्या पहन लिया, अरे ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, अरे ये बहू कैसी है। और अगर बेटी करे, अरे मेरी बेटी अच्छे शहर में गई, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा खाती है। अगर पहले से ही घर की कोई बड़ी लेडीज बाजार में दुकान खोले, वो भी सिलाई वाली, 10 आदमी आते हैं जाते हैं, औरतें आती हैं जाती हैं, और सिलाई मशीन की दुकान खोली है, कपड़े सिलती है, तो किसी ने प्रॉब्लम नहीं खड़ा किया। और घर की एक और बहू है जो बाज़ार में समोसे का ठेला लगाती है, तो उसके वे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे सिलाई करना आता है, इसलिए उसने दुकान खोली। ठीक है, उसे कमाना था पैसा। दूसरी बहू ने उसको जो कुछ आता था, जो कुछ उसको समझ में आया कि इससे पैसा आएगा मैं ये काम कर लूँगी, तो उसने बाज़ार में ठेला खोला और अपना घर चलाया। उसको जो काम अच्छा लगा उसने किया। ठीक है, तो तुमने जो कुछ तुमने सिलाई मशीन का दुकान सिलाई मशीन की दुकान खोली और वो तुम्हें पसंद है, तुमने की, और दूसरी बहू ने समोसे का ठेला लगाया, उसे भी वो पसंद था, उसने भी वो काम किया, हैं? और अगर मैंने अपनी पसंद का काम किया, यानी मुझे जो काम पसंद था वो मैंने काम किया, यानी मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मुझ में टैलेंट है, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? पहले शुरुआत आपने की है, आपने पहले बाज़ार में सिलाई की दुकान खोली। अगर आपने सिलाई की मशीन की दुकान खोली और कमाई की तो आपको अच्छा लगा, आपने समोसे की दुकान खोली मतलब ठेला लगाया रोड पे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कमाया। और अगर मैंने कुछ किया, मैंने भी पैसे कमाने के लिए किया, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है, मुझे भी पैसा मेरे घर में नहीं है, मुझे भी पैसा चाहिए अपने घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए मुझे भी पैसा चाहिए। और अगर मैंने कोई काम किया, मुझ में मैं क्या बताऊं, मुझे किसी चीज़ करने का शौक़ है, मुझे डांस करने का शौक़ है, मुझे गाने का शौक़ है, तो मैं डांस करती हूँ, मैं गाती हूँ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके बीच में यानी आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपके लिए कुछ नहीं कहा आज तक, तो आपको भी मेरे लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझे कल इतना लेक्चर दिया कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। जब तुमने दुकान खोली हैं तब कोई मार्केट वाला आप पर उंगली उठाने वाला नहीं था, हैं? मार्केट वाले ये नहीं कहेंगे कि फलाने की बीवी बाज़ार में कपड़ा सिलने की दुकान खोले हैं, फलाने की बीवी बाज़ार में समोसा की दुकान खोले हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप चाहे जो करें
अगर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं बनाऊँगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ ना मैं रुकने वाली हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है मेरा वीडियो तो आप मत देखें। आप क्यों देखती हैं? आप मेरे वीडियो को देखती हैं, झांकती हैं कि मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ। आपको लाइक करना तो कभी आता नहीं है। आपको मेरे घर वालों को यानी मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को ये लगता है कि उनके लाइक करने से मैं कहीं स्टार ना बन जाऊं, उनके लाइक करने से मुझे कहीं YouTube से पैसा ना मिलने लगे। तो आपकी गलतफहमी है। मुझे आपके लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ना मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें, आप मेरा वीडियो मत देखना, आप मुझे लाइक मत करना, और आप लोग लाइक करते भी नहीं हैं। मैंने सबको देख लिया, केवल आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और ये झांकते हैं कि मैं कैसा वीडियो बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ या बुरा बनाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। तो थैंक्स, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मेरा वीडियो बुरा लगता है, आप मेरा वीडियो मत देखिए, मेरा चैनल मत खोलिए। क्यों खोलते हैं, क्यों देखते हैं, मत देखिए। अगर आप लोग को मैं पसंद नहीं हूँ तो आप लोग मुझे ना पसंद करें, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मैं YouTube में काम करती हूँ और करती रहूँगी। मैं किसी के रोके से रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं था। मैं जाऊँगी और आगे जाऊँगी, और मैं किसी का कहना नहीं मानूँगी, क्योंकि जब मैंने किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जब मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, तो आप लोगों को भी मुझे कहने का हक नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास जब मुझे कोई 5 रुपए देने वाला नहीं था, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था, तब आप लोग नहीं आए कि लो मैं आपको पैसे देती हूँ, आप ये काम मत करो। जब मैं अपने पैरों पर खड़े हूँ और मैं अपना कामयाबी का रास्ता चुन चुकी हूँ कि मुझे यहाँ कामयाब होना है और मुझे आगे बढ़ना है, तब आप लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो मुझे आपकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं आगे जाऊँगी। और आपने कहा था कि आप कभी अकेली जाओगी, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं कभी अकेले कहीं नहीं जाती और मेरे साथ कोई हादसा नहीं होगा। मुझे कोई हाथ लगा कर तो दिखाए, फिर मैं उसका क्या हाल करूंगी। आप होंगी कमज़ोर, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूं, ना मैं किसी से डरती हूं, ना मैं कोई गलत काम करती हूं। अगर आप लोगों को अपनी नज़र में मैं गलत लग रही हूं, तो वो आपकी गलत सोच है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। मैं अपनी नज़र में सही हूँ और मैं सही रहूँगी। मुझे कोई हाथ लगा के दिखाए, जो आप कह रही थी, मैं बार हमेशा अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ, और मैं ऐसे कभी बाहर जाती भी नहीं हूँ। आप तो अकेली जाती हैं, अकेली मार्केट जाती हैं, अकेले कपड़ा लेती हैं, अकेले सिलती हैं, पैदल जाती हैं। आप तो अकेले जाती हैं, तो आपको डर होगा। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर से बाहर ही नहीं जाती। मैं जो कुछ काम करती हूँ अपने घर में ही करती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं कहीं रोड पर नहीं नचती, मैं कहीं रोड पर नहीं फिरती। जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग करने, अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। और आपको भी पता होगा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। सो आइंदा मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को झांकना कि आप कैसी हैं, फिर मेरे से कहना कि कल के दिन मेरे साथ कोई हादसा होगा। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इतनी ख़राब हूँ कि कोई भी मेरे ऊपर उंगली उठाए और मैं चुप रहूँगी? अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। सो आइंदा मुझे कोई सलाह मशवरा मत देना। आपको बोलना हो बोलो, मत बोलना हो मत बोलो, आपको मुझे बुलाना हो बुलाओ, मत बुलाना हो मत बुलाओ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, तो मैं इसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा है कि मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मेरे दिल पर असर पड़ा। क्योंकि मैं ना किसी का बुरा सोचती हूँ और ना मैं किसी का बुरा करती हूँ। कल आपने मुझसे ऐसी बात कर दी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो फिर मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई सवाल गलत वाला उठाएगा, तो मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कमेंट में लिखना। लेकिन हाँ,
जो जिसने मुझसे ये बात की थी, जिसने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, वो मेरे वीडियो को लाइक मत करना, मेरे वीडियो को कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। सॉरी, बाय।